तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, पेन ड्राइव लगाया हमने कंप्यूटर में, अब डेटा ही नहीं शो कर रहा है। उस समय बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, भैया आप करें क्या, कैसे डेटा देखें। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं। मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू ना सिर्फ आप अपना डेटा देख पाएंगे बल्कि कॉपी पेस्ट भी कर पाएंगे, और 90% केसेस में ये जो टेक्निक है वो काम करती है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं बहुत ईजी स्टेप से बताऊंगा कि कैसे अगर पेन ड्राइव डेटा नहीं शो कर रहा है तो आप डेटा देख सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि अगर पेन ड्राइव डेटा नहीं शो कर रही है तो कैसे डेटा को देख सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर से लगा ली है। उसके बाद हमें जाना है डेस्कटॉप पे दिस पीसी ऑप्शन दिया होता है डेस्कटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे हो सकता है, माई कंप्यूटर के नाम से हो। ये देखिए दिस पीसी ऑप्शन यहां शो हो रहा है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए मेरे में दिस पीसी दिया, हो सकता है आपके में माई कंप्यूटर के नाम से दिया हो। ठीक है, तो अब यहां देखिए बहुत सारे पार्टीशन शो कर रहा है। अब हमें जाना है पेन ड्राइव पे, तो देखिए पेन ड्राइव हमारी ये शो हो रही है रिमूवेबल डिस्क के नाम से। ठीक है, अगर आपकी पेन ड्राइव का कोई नाम है तो वो नाम यहां शो होगा। ठीक है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पेन ड्राइव ओपन हो गई मेरी। ठीक है, और यहां पे डेटा शो हो रहा है क्योंकि मेरी पेन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए डेटा शो हो रहा है। हो सकता है अगर आपकी पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो डेटा ना शो हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी इसके आगे हम समझेंगे। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि पेन ड्राइव में क्या है। देखिए दो फोल्डर आपको शो हो रहे हैं, सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के अंदर तीन फाइल है और एक MP3 फाइल है। ठीक है, यानी टोटल चार फाइल्स हैं। ठीक है, चलते हैं बैक वापस। और जो हमारी सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन है ये ब्लैंक है, इसमें कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा अवेलेबल है मेरी पेन ड्राइव के अंदर। अब अगर मान लीजिए कि पेन ड्राइव में डेटा नहीं शो हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में देखिए सर्च रिमूवेबल डिस्क सर्च बार दिया हुआ है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं, देखिए सर्च बार दिया हुआ है, यहां पर हमें स्टार लिखना है। ठीक है, याद रखिए ये सर्च बार जब आप पेन ड्राइव ओपन कर लेंगे, मतलब अगर डेटा नहीं शो हो रहा है तो जब आप यहां पर स्टार लिखेंगे तो ये पेन ड्राइव से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पेन ड्राइव में होगी वो सामने शो कर देगा, यानी कि जो भी डेटा होगा वो सामने शो कर देगा। और ये सिर्फ आपके पेन ड्राइव से रिलेटेड ही डेटा शो करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पेन ड्राइव ओपन की हुई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सर्च ऑप्शन में हमें स्टार लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए स्टार लिख दिया हमने, उसके बाद आप यहां से इसको इंटर प्रेस करिए तो जो भी आप देखेंगे पेन ड्राइव में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी यहां पे शो हो जाएगी। अब इंटर प्रेस करने जा रहे हैं, देखिए इंटर हमने प्रेस कर दिया। अब ये देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी पेन ड्राइव में इसने सारी शो कर दी। ठीक है, अब पीडीएफ मेरे पास दो फोल्डर थे, मतलब एक सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन था, पीडीएफ था, पीडीएफ के अंदर तीन फाइल थी, ये देखिए BC ABC करके। ठीक है, और एक MP3 थी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप, ये था पहला मेथड कि आपकी पेन ड्राइव से अगर डेटा नहीं शो हो रहा है तो यहां पे स्टार लिख के एंटर मारेंगे तो डिटेल्स जो भी पेन ड्राइव में होगी वो यहां पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरा मेथड। तो हम वापस से पहले बैक जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पेन ड्राइव हमने ओपन करी हुई है। अब मान लीजिए कि अगर आपने पेन ड्राइव ओपन करी और स्टार यूज किया और आपको डेटा नहीं शो हो रहा, उसके बाद भी नहीं शो हो रहा है, तो दूसरा मेथड क्या है, यहां पे शो हो रहा है क्योंकि मेरे पेन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, अगर आपके में स्टार के बावजूद डेटा नहीं शो हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें जाना है ऊपर। ये देखिए ऊपर दिख रहा है ये ऑप्शन यहां पे। ठीक है, यहां पे जहां पे देखिए लिखा हुआ है रिमूवेबल डिस्क। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, कहीं पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहां पे आइकन भी बना हुआ है। ठीक है, ड्राइव का। अब यहां पर हमें क्या करना है, कहीं पर भी क्लिक कर देना है। ठीक, तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा। मेरे में ये ड्राइव का नाम है, बेसिकली मेरे में ये F दिखा रहा है, आपके में कोई और नाम भी हो सकता है। ठीक है, बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहां से इसको Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। देखिए क्रोम ब्राउजर हमने ओपन कर लिया। अब इसके सर्च बॉक्स में, मतलब एड्रेस बार में ले जाकर खाली इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां से इंटर मार दीजिए, फिर आप देखेंगे जो भी डेटा है, मतलब पेन ड्राइव में जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो यहां पर शो कर देगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जिससे आप पेन ड्राइव में अगर डेटा नहीं शो हो रहा है तो डेटा आप दे सकते हैं, और ये 90% मतलब केसेस में काम करता है। तो इस तरह से आप अपना डेटा देख सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।